दोस्तों राम राम नमस्ते। तो आज मैं पहुंचा हूँ मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जगह है मेरा कॉलेज, मेरा फॉरेस्ट्री। मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार अपने इसी कॉलेज से है, फॉरेस्ट्री से। इसी की वजह से मैं आज एक ट्रैवलर और एक्सप्लोरर या वीडियो क्रिएटर बोल सकते हैं वो बनाऊँ। तो गेट हम बाद में दिखाएंगे, पहले मेरे को कॉलेज अपना दिखाना था फॉरेस्ट्री। बाकी पूरी यूनिवर्सिटी हम घुमाते हैं आपको धीरे धीरे। क्लासेस के अंदर लेके जाऊंगा अगर खुली हुई तो। गेट तो वैसा ही था जैसा अभी है। यहाँ पे थोड़ा शोर नहीं मचा सकते तो ज़्यादा। ये मशीन पहले अच्छा हाँ, यहाँ पे IFS ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं सभी के। मैं तो नहीं बन पाया मैं बट जो वीडियो देख रहा है अगर आप में से कोई बने IFS तो जगह तो खाली नहीं है, यहाँ लगेगा। अब ये स्मार्ट क्लासरूम हो गए हमारे टाइम पे स्मार्ट नहीं थे, जस्ट क्लास थी सिंपल। फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मज़ा तब आता था जब हम प्रैक्टिकल होते थे तो पूरी भीड़ हो जाती थी यहाँ पे, बच्चों की लाइनें लग जाती थी, कोई यहाँ बैठता था। और इस वाटर कूलर में उस टाइम भी पानी नहीं होता था और इस टाइम में भी नहीं है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको टीचर सेक्शन में, जहाँ हम जाने से उस टाइम पे बहुत डरते थे कि पता नहीं कौन देख लेगा, क्या हो जाएगा। अब ये IDP हो रहा है। यहाँ पे हमारे टीचर्स के रूम होते थे उस टाइम, अब भी हैं वो टीचर। सुभाष सर का रूम अब पता नहीं कहाँ चला गया, बट मेरे को सुभाष सर एग्जैक्टली पूरे याद है। अब अलग अलग हो गए हैं यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे 3 फ्लोर है यहाँ पे। अभी हम आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे मेरा बहुत टाइम बीतता है क्यों? क्योंकि मैंने इतने कोर्स लटका है कि मेरे को जाना दिखाता हूँ। ये मेरा दोस्त सब्बू है, सर्वज्ञ है। हम दोनों ने पूरी डिग्री हम साथ रहे हैं और बार बार फेल हुए हैं। तो हमारे मेरे इतने कोर्स फेल हुए ना, मेरा इन सीढ़ियों पे आना जाना लगा रहता था। मेरी ये फेवरेट जगह हर सेमेस्टर जाना पड़ता था ये दिल्ली। कभी टीचर से बात करनी है, कभी डीन से बात करनी है पेपर एडजस्ट करने के लिए। सही बात है, उधर वो कलर कंटी के साथ पास जाते थे, यहाँ पे तो लिफ्ट भी लगती भाई। ओ भाई, यहाँ पे मतलब कि जो खतरनाक टीचर थे ना उस टाइम पे उनके रूम होते थे, यहाँ एडमिशन होती थी। अब तो यहाँ पे पंच सर का भी रूम नहीं है, लेकिन DR भारद्वाज सर का है। ये अच्छा लगा देख के। ये तस्वीर उस वक्त भी थी और अब भी है। मतलब मैं ये देख के उस टाइम से ही सोचता था कि मेरे को ऐसे जंगलों में जाना है, तो इसीलिए मेरे को GHNP से प्यार है। GHNP की सीरीज़ लिंक से देख सकते हैं। मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे। हाँ अच्छा है, हमारे टाइम पे हिंदी में नाम नहीं थे यहाँ पे। हम 2012 से 16 में पढ़े हैं BSc। अभी हम जाएंगे उस जगह जहाँ सबू डांस करता था टेरेस पे। ये बंदा डांसर था बट इसने अपना टैलेंट मार दिया शर्म के चक्कर में। तो मैंने वो स्पीड स्पेशल रखा है ना किसी स्पेशल के लिए। चल ठीक है, भेज दूंगा वहाँ वीडियो। ये ऐसी जगह है ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट था। सबसे खास पता है बात क्या थी? बीदत सर जो मेरे ताऊ ताई क्या मतलब ताऊ ही जैसे, मतलब हमारी अलग ही वो साइड लेते थे सर, तो अच्छा लगता था। और साइड लेते थे बट मैं उनके कोर्स में फेल हुआ हूँ। वहाँ तो मैं भी पास था। पर एक फेल होना भी एक मतलब यादगारी थी। हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में इतनी बार फेल हुए कि ये बात हमने घर वालों को आज तक नहीं बताई है। बट अब अपना फेवरेट स्पॉट ये है। यहाँ से हम चारों तरफ का नज़ारा लेते थे अपने कॉलेज से। और ऑडिटोरियम तो बाद में बना, ऑडिटोरियम नहीं था यहाँ पे। यहाँ से तो लड़कियाँ देखता आड़ते थे, इसके घर वाले ने सुन। अलग ही मज़ा आता था यहाँ पे। जिसका वाइवा चल रहा होता था वो यहाँ खड़े होते थे, बाकी बच्चे नीचे बैठ के फाइलें फूलें बना रहे होते थे। तो एक अलग ही ज़िंदगी थी इस कॉलेज की। थर्ड फ्लोर पे है फॉरेस्ट्री के। तो ये जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट था तो हम यहाँ ज़्यादा आते जाते नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सांख्यान सर थे हमारे को पढ़ाने वाले, बाकी तो कुलवंत सर थे यहाँ। और यहाँ पे ज़्यादा ऐसा लगता था कि सिर्फ MSc PhD वाले ही आते होंगे। तो इस फ्लोर पे हमारा कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ऊपर चलते हैं। सेमिनार होता था, मतलब कोई बाहर से आता था तो कोई लेक्चर वगैरह, सारी कंपटीशन वगैरह यहाँ होते थे। सब लोग कक्ष उस टाइम सेमिनार का फोटो अभी बिल्कुल नहीं सकता, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे दीदी मतलब तारा मैम की लैब, मतलब उस टाइम पे हम बहुत डरते थे कि भाई पता नहीं फेल हो जाएंगे इस कोर्स में, बहुत डर होता था। वो नीचे देख के चल कुत्ते की अल्टीमेट से गए, यहाँ का 360 दिखा दे एक बार। मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इससे चढ़ के ऊपर गए होंगे, हम गए थे उस टाइम पे, कोई देख ना ले। मैं तो ऊपर चढ़ के ये देखा सोलर पैनल की खुशी हुई, पहले वहाँ भी देखा। हाँ खुशी तो हुई, जस्ट सोलर पैनल लगा देना ही काफ़ी नहीं होता भाई, आगे ये क्या है गंदी थी, इनकी तो एफिशिएंसी आधी भी नहीं होनी जितनी है, क्योंकि सोलर पैनल लगाना ही हो तो उसके बाद उसको साफ सफाई रखनी पड़ती है। सही बात है, वो सूरज की रेज पड़ेगी ढंग से नीचे तक, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं। जान जा रहे हम के लिए कि भाई हमारी क्या है। पहले तो लगा बर्फ गिरी है। पहले तो मेरे को लगा कि बर्फ गिरी होगी, गई नहीं है, बट ध्यान से देखा तो भाई मट्टी है, ये तो टॉयलेट वाली मूवी की मट्टी है। और सबसे बड़ा दुख मेरे को पता है क्या हुआ, हम जब पहले आते थे तो दूसरी साइड भी चले जाते थे, अब सोलर पैनल है जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने देखा ही नीचे कुछ बच्चे पढ़ रहे क्या डिस्टर्ब कर, हाँ हम तो पढ़े नहीं बट और को पढ़ने दे। सही बात है, शायद ये वीडियो देख के कोई पता नहीं क्या करेंगे कि कहाँ चढ़ गए बंदे, बट यार हमारा कॉलेज और हमारे को प्यार है तो हमारी यादें भी है, तो हमारे को तो चढ़ना ही था इस पर, क्योंकि हम पहले भी बहुत चढ़ते थे। हाँ यहाँ पे इतने हमने तो मतलब हमारा एक दोस्त है आशू मेरे और ब्लॉग्स में, उसको भी लेके आए हम यहाँ पे। मेरे को अपना कॉलेज की यादें ताज़ा करनी थी और दिखाना था, तो मैंने ये वीडियो बनाई है, और सोच के नहीं बनाई, बस आए तो ऐसे ही मन कर गया कि यार अपनी मेमोरीज हम भी शेयर करें। कुछ एक प्यार है जो कॉलेज के लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखा पाऊँ, तो मैंने ये वीडियो बनाई। सॉइल साइंस तो रह गया भाई। हाँ सॉइल साइंस में थोड़ी सी यादें, वो पीछे जाके ऊपर जाके पार्टियाँ करते थे ऊपर। यार ये गेट अभी काम चल रहा है, जब हम पढ़ते थे तो ये गेट ऐसा नहीं था, कुछ अलग था। तो अभी यहाँ पे काम चला हुआ है। ये लेफ्ट साइड में है फ्लोरिकल्चर का फार्म, और राइट साइड में ये जो इतने यहाँ पे ना मतलब दिलकश नज़ारे वाले फूल है, फूल हुए करते थे, अब आजकल नहीं लगे हुए क्योंकि अब वैलेंटाइन वीक आ रहा है तो सबने तोड़ लिया। ये लेफ्ट साइड जो रास्ता है हमारे मतलब फील्ड को जाता है, मेडिसिनल वाली फील्ड या और भी सिल्वीकल्चर फील्ड या और भी अदर वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर वाले डिपार्टमेंटों की भी है। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का एडमिन ब्लॉक, देख सकते हो यहाँ पे वीसी सर मतलब ऑफिशियल लोग सारे यहीं बैठते हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ना ये हमारी यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है, कोई आता है तो यहाँ पे रुक सकता है बुक करके, ये उसको रास्ता जाता है राइट साइड से। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है जहाँ की हम बहुत ज़्यादा खुदाई में मैंने भी हिस्सा लिया था। यहाँ हम बहुत क्रिकेट खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, फुटबॉल मैंने कंचे खेले हैं बचपन से। बहुत सुंदर ग्राउंड है हमारी यूनिवर्सिटी का, यहाँ से यहाँ पे बल्कि युवराज सिंह भी खेल के गया है। ये हेल्थ सेंटर राइट साइड में, और ये शेड अभी बाद में ही बना यूनिवर्सिटी में। यहाँ पार्किंग की जगह बन गई, अब हमारे टाइम नहीं होती थी। ये एनसीसी ग्राउंड है हमारे टाइम का, राइट में ओपन एयर थिएटर। हाँ और अभी आएगी हमारी लाइब्रेरी, मतलब जब हम 4 साल थे ना बीएससी की तो एक बार भी लाइब्रेरी में नहीं गए, क्योंकि उस टाइम हम पढ़ते ही नहीं थे। उसके बाद जाने लगे कि लाइब्रेरी भी कोई चीज़ है, और यहाँ किताबें इशू होती हैं। और सामने है नेस कैफ़े, यहाँ बच्चे चुस्कियाँ लगाते हैं चाय कॉफ़ी की। स्टॉक्स लाइब्रेरी बहुत विख्यात लाइब्रेरी, यहाँ से बड़े बड़े आदमी पढ़ के गए, जैसे कि मैं। हमारा चिंगारी भी तो यहीं से पढ़ के एसीएफ लगा। और ये जामुन का पेड़ है, पर आज तक इस पर जामुन नहीं लगी, ये रिकॉर्ड है, 2012 से देख रहे हैं हम इसको। वीडियो मत बनाइए, फ़ोटो खींचियो। ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हो आराम से। तो आई लव यू HF, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जो यहाँ पे लिखा है हमारे लिए तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट जैसा ट्रेंड है उसके साथ चलना होता है, तो यहाँ पे लगा दिया यूनिवर्सिटी वालों ने। फिर पप्पी ले जाके हमारी यूनिवर्सिटी का ओपन एयर थिएटर। मुझे भी कश्मीर फाइल्स मूवी आई ना, हाँ, उसके 2 दिन बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू। ओ भाई, तो जो उसमें जो एंडिंग में नहीं था वो सीन जब वो स्पीच देता है, हाँ, तो दैट इज काइंड ऑफ ओपन एयर थिएटर। ओपन तो नहीं था बट वो थिएटर ही था। लाइब्रेरी से निकल के मतलब अंदर तो नहीं गए, बाहर से ही जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर की तरफ। ये है हमारा सामने स्टूडेंट्स वेलफेयर सेंटर, SWO सेंटर। यहाँ हमारी फीसें फूसें जमा होती थी, लाइनों में लगते थे बुरे हालों से उस ज़माने में। अब तो सब ऑनलाइन है भाई। ये लाइब्रेरी के पीछे वाला एरिया है जहाँ पे अक्सर, ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का कॉलेज। इसमें हमारा कम ही आना जाना रहा है, बस कभी कभी घूमे हम। चलिए यहाँ भी दिखा देते हैं अंदर से। हाँ चलो चलते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर भी। वो फील नहीं आती जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की। सही बात है, वो एक मतलब कि एक होती ना प्रीमियम फीलिंग फॉरेस्ट्री में ही आती है। मतलब ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट्री एक प्राइवेट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल की तरह है। फर्स्ट इंप्रेशन बैड इंप्रेशन है हॉर्टिकल्चर का, बट चलो ये है कि बच्चों की यादें हैं वो भी अच्छी ही होंगी। यहाँ पे फॉरेस्ट्री में तो हमारे बैच के कोई टॉपर थे नहीं, ना बोर्ड थे, बट यहाँ हॉर्टिकल्चर में हमारे बैच की एक लड़की है जो टॉपर थी यहाँ पे, सोनाली चौहान। और तो बाकी कोई जानकार मिला अच्छी है ना ये वैसे। हाँ फॉरेस्ट्री में भी होना चाहिए ऐसा बोर्ड, पर बोर्ड बोर्ड तो क्या फ़ायदा था उससे हमारा तो डफर्स के बोर्ड भी होना, वो बोर्ड ही नहीं लगते। हॉर्टिकल्चर के अलग अलग डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बेसिक साइंस भी है वैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर। हाँ और सीड साइंस। और तूने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई नहीं, नौनी की। नौनी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बंदर, खतरनाक बंदर। बट ये जनता से हाथ नहीं मिलाना चाह रहे, अभी गुस्से में थोड़े से। तो ये है मेरा डिपार्टमेंट, मतलब मेरी BSc तो फॉरेस्ट्री में थी लेकिन मैंने MBA एग्री बिजनेस की थी, तो ये हमारा बिजनेस डिपार्टमेंट है। तो अभी हम इसको दिखाएंगे। यहाँ की भी यादें थी, कॉलेज तो कम ही आते थे हम MBA में कुछ ज़्यादा हमने पढ़ाई खतरनाक वाली की नहीं, तो बस यहाँ बाहर बैठ के बाइकों पे लड़कियाँ छेड़ते थे। लड़कियाँ तो नहीं छेड़ते थे बट आवारा कर दी। लड़के छेड़ते थे? नहीं लड़के भी नहीं छेड़ते थे। फिर क्या हम कहाँ पहुँच गए भाई तुम। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट, इसकी भी यादें हैं भाई, लेकिन जो बात फॉरेस्ट्री की है वो मैं कंपेयर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ से। तो कर क्यों रहा है फूड साइंस सही है। और ये बंद मिला हमारा डिपार्टमेंट। आज सालों बाद अपनी ऑडिटोरियम रह गया है ना, ऑडिटोरियम रह गया। हाँ ये हॉर्टिकल्चर के बाहर कोई नई बिल्डिंग बन रही है, क्या लगता है तेरे को क्या बन रहा होगा? मेरे को तो लग रहा है वुमेन सेल ना बन रहा हो। हाँ वही नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो चलो कोई आगे यूनिवर्सिटी में आए जब पता लगे तो कमेंट करके बता दे कि क्या बन रहा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम जहाँ पे कोई भी फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नर CM सब लोग यहाँ आते हैं, कोई भी फंक्शन होता है। तो डॉक्टर LS नेगी के नाम पे पड़ा है ऑडिटोरियम का नाम। हाँ चलो अभी मेरे फादर साहब काफ़ी आते जाते थे डॉक्टर LS नेगी के, और आज ऑडिटोरियम बनाया तो दिल से बड़ी खुशी हो रही है मुझे। का ऑडिटोरियम, और यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते हैं यहीं पे होते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस होती है वो भी यहीं पे होती है, कोई एंटरटेनमेंट है, नाच गाना मस्ती सब यहीं पे होता है। तो आप कोई भी कॉन्फ्रेंस फंक्शन हो रहा तो यहीं आएंगे और इसको ज़रूर देखें अंदर से। तो चलो हम अभी जा नहीं सकते क्योंकि ये अभी लॉक है, ये सिर्फ फंक्शन टाइम पर होता है। तो बाकी तो मैं अब हमारा हो गया यहाँ से। अभी हमारे को कुछ लोग देख रहे थे कि ये पता नहीं क्या वीडियो दिखा रहे हैं, अभी इनको पता नहीं था कि हम कौन है, पर ये यही लोग बाद में वीडियो शेयर करेंगे। अच्छा कॉन्फिडेंस है। मैं आज सालों बाद अपनी यूनिवर्सिटी में आया हूँ और अपने दोस्त से मिला से बाद, और अच्छा नहीं लग रहा मेरे को यहाँ से जाते वक्त, बट फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, फिर मिलेंगे अब कभी, जब कभी मिलना होगा। शादी में आऊँगा मैं तेरी, मैं भी तेरी शादी में आऊँगा। एक ही घर में कर लेंगे। पता नहीं यार। 2 बहनें मिलनी मुश्किल है। क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो 140 करोड़ का देश है यार, टेंशन क्या है। चलो देखते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक शेयर कमेंट, जो भी आपका मन करे अपने मन से करना जो भी करना। बीमार हूँ, आई एम आउट। सबसे बड़ा समझ गए वो बंदा है। तो क्या हाल चाल। अब हम मिल रहे हैं हमारे बेस्ट ब्लॉगर के साथ और ये मेरे दोस्त, एंड कीप सब्सक्राइबिंग। और बहुत अच्छा ये कंटेंट बना रहे हैं, इन्होंने हरियाणा से लेकर हिमाचल से लेकर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की जो सीरीज है जरूर देखें, बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ। इतनी ये तो करने जा रहे हैं, इतनी इज्जत इसने कभी बिना वीडियो के नहीं दी, पहली बार। बट अच्छा लग रहा है, इसका चैनल भी कर देना यार प्लीज। ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। बट ये अभी रेगुलर है और अच्छी वीडियोस डाल रहा है रोज पे रोज, तो प्लीज देखें, जरूर जाएं एंड फॉलो द गौरव सीडा ब्लॉग्स। अब पता लग रहा है जो इसको बंदे देखते हैं वो मेरी वीडियो ही ना देखें। इस बंदे के लिए मैं एक बात बोलूँगा, इस बंदे का मतलब डेडिकेशन इतनी है ना, ये बंदा पहले इतना मोटा yes. और इस बंदे ने अब रणबीर कपूर लग रहा है। So you can follow also my fitness tips and my channel is coming soon, the Priyank Fitness Channel। बस इसके डांस पे हाथ जोड़ लेना, ये नंगा डांस करता है। चलो यार व्लॉग बड़ा हो रहा है, बंद करो। आप पीछे देखें तो हमारा नेस्ट कैफे है। हम 5 बजे के बाद यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं 3 साल पहले। और ये देखिए शब्बू, इनकी तो स्माइल है ना, उस पर जो पूरी दुनिया फिदा है। तो अपनी मत दिखा, उसकी दिखा। एक मिनट। इसकी जो स्माइल है ना, आई लव हिज स्माइल। और ये हमेशा कुछ नहीं, देखिए कुछ बोलेगा नहीं, बस एक ही शब्द बोलेगा और उसमें ये इंसान की बजा डालेगा। तारीफ के तुझे पैसे ना शाम को दूं, तारीफ के तुझे पैसे ना शाम को दूं। और ये देखिए पीछे OATV बना है। आज सब कुछ घुमाएंगे आपको, ये पूरा कैंपस का भी विजिट करेंगे। तो आज आप हो सीधा जी, क्या हाल चाल नहीं। अब तो भाई का टाइम हो गया भाई। बाय, मैं निकल रहा हूँ। काफी रात हो गई वरना मेरे पापा का फोन भी आ रहा है। ठीक है, ओके ब्रो, टेक केयर। आंखों में बसा के रखूंगा मैं, तुम्हारी मेरी मान। तो अभी चलता हूँ।